हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक फ्रंट टॉप लोड वॉशिंग मशीन का एक गियर बॉक्स है, मैकेनिज्म बोलते हैं इसे। और एक्चुअली इसमें एक बोल्ट टूट गया है अंदर। हमने पल्सेटर चेंज करने की कोशिश की, पर ये बोल्ट बीच में से टूट गया है। तो कभी कभी ये बोल्ट ये अंदर से भी टूट जाता है। ये तो काफ़ी बाहर से टूटा है। तो आज हम वीडियो में बताएंगे, ये अगर इसमें अंदर से टूट जाता है तो इसे कैसे निकालना है बोल्ट को। कोई भी मशीन्स में कहीं भी टूट जाता है बोल्ट या स्क्रू, कहीं भी या नहीं निकलता या स्लिप हो जाता है, तो आप इसी आइडिया से आप निकाल सकते हैं। हमने एग्जांपल के लिए ये मैकेनिज्म आपको बताएंगे। तो जैसा कि इंजन्स में होता है, बाइक के इंजन्स में, मोटरसाइकिल का हो गया, कार का हो गया, कहीं भी ये बोल्ट टूट जाते हैं या जाम हो जाते हैं, खुलते नहीं। और इसमें देख सकते हैं थोड़ा बचा हुआ है इसमें। तो अगर ऊपर रहता है तो ये तो सिंपल होता है, आप इस तरह का कोई बोल्ट ले सकते हैं और यहाँ पे वेल्डिंग करा के आपको वेल्डिंग इस तरह से करना है। और आप यहाँ से पाना लगा के खोल सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा, अगर बोल्ट अंदर से टूटता है इसके बराबर लेवल में, तो इसे कैसे खोलना है। तो वीडियो के साथ में बने रहिए आखिरी तक। तो मैं पहले क्या करूँगा, इसे ग्राइंडिंग करूँगा और इसको लेवल तक कर दूँगा, कटिंग मशीन से काट दूँगा। और फिर मेरे पास इसका एक टूल होता है, ये बोल्ट एक्सट्रैक्टर बोलते हैं इसे। इसमें चार तरह के बिट्स होते हैं, ये बोल्ट या स्क्रू जो टूट जाते हैं अंदर से, इसे निकालने के लिए ये मदद करता है। अगर ये बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ले सकते हैं। ये सेल्फ बोल्ट एक्सट्रैक्टर टूल कहते हैं इसे। तो मैं इसकी मदद से आज ये बोल्ट निकालूंगा। तो शुरू करते हैं। देख सकते हैं मैंने इसे लेवल कर दिया है। अब हम इसे निकालेंगे। शायद ये बहुत छोटा हो जाएगा, नहीं ठीक हो जाएगा। तो आपको दो टाइप होते हैं, आपको पहले इसे करना है ड्रिल, या आप नॉर्मल ड्रिल मशीन का बिट से भी कर सकते हैं। इसमें छेद करना है। तो पहले हम इससे छेद करेंगे, ये पूरा इसमें होल कर देगा। और बाद में फिर इसको पलटाएंगे और फिर इसको अंडर डाल के और इसे निकालेंगे ड्रिल मशीन में। ये हमेशा रिवर्स पोजीशन में आपको काम करना है, इसमें क्लॉकवाइज से नहीं होगा, क्लॉकवाइज से और टाइट हो जाएगा। ये जो दांत बने हुए हैं, टीथ बने हुए हैं, इस पूरे रिवर्स पोजीशन में, जैसे अंदर ये फंसेगा बोल्ट में तो ये साथ में लेके इसे खोल देगा। तो आप देख सकते हैं, तो बीच में पहले मैं इसमें सेंटर पंच मारूँगा एकदम बीचों बीच, और फिर पहले मैं ये यूज़ करूँगा। फर्स्ट स्टेप ये वाला होता है, सेकंड ये। अब मैं ये जो बोल्ट टूटा है इसके बीचों बीच एक सेंटर पंच से छेद करूँगा, जिससे क्या होगा कि हमारा ड्रिल इधर उधर नहीं जाएगा। बीचों बीच करना है इसे। ये सेंटर ठीक है। अब इसमें हम ड्रिलिंग करेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा छेद हो गया है। अब दूसरे बिट से करूँगा। तो ये बिट लगा दिया है मैंने, ये फर्स्ट साइज, ये रिवर्स पोजीशन में रख दिया मैंने इसे।
देख सकते हैं इसमें छेद हो गया है। अब मैं जो बिट था उसे रिवर्स पलटाऊंगा मशीन में और रिवर्स में ही इसे चलाऊंगा। तो ये होल हो चुका है। अब ये जो एक्सट्रैक्टर बिट है उसका रिवर्स में मैंने डाला है और इसको भी रिवर्स पोजीशन में रखेंगे तो ये रिवर्स में रहने से खुलेगा। ये इसको स्लोली खोलना है। देख सकते हैं ये खुल गया है। देख लीजिए इस बिट की मदद से इसमें फंस गया है। ये इसमें रिवर्स थ्रेड होते हैं तो ये दांत पकड़ लेते हैं इसके। तो देखा होगा दोस्त फ्रेंड्स आपने कि हमने किस तरह से निकाला है बोल्ट जो बीच में टूट जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं फिर फ्रेंड्स अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।